दोस्तों, हमें खुशी है कि आपने हमारे पहले वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया और सब्सक्राइब भी बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल को किया। तरह तरह के कमेंट्स भी आए, कुछ एवरेज थे, कुछ बहुत अच्छे थे और कुछ नकारात्मक भी थे। कुछ लोगों के मन में ये बात भी थी कि रहने दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हर व्यवहार की शुरुआत विचार से होती है। कोई भी आविष्कार, कोई भी नई बात, कोई भी इनोवेशन, कोई भी नई संकल्पना आने के पहले एक विचार ही होती है। जिन दिनों हमारे दक्षिण भारत के हिस्सों में टेक्नोलॉजी के लेवल पर इनोवेशन और पॉलिटिकल इंटरवेंशन शुरू हुआ, राजनीतिक हस्तक्षेप से तकनीकी विकास की स्थितियां बनना शुरू हुई, उन्हीं दिनों से दक्षिण की सूरत हाल या दक्षिण का जो विकास का जो चेहरा है वो बदलना शुरू हो गया। यही कारण है कि चेन्नई एनिमेशन का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया, पुणे हायर स्टडी और खासतौर से प्रोफेशनल स्टडीज का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया, बैंगलोर में आईटी आउटसोर्सिंग के अलावा गेमिंग और नई नई चीजों पर काम होना शुरू हो गया। लिहाजा हमने ये मान लिया कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा है उसी का हमें सबसे ज़्यादा उपयोग करना है, और हमारे पास सबसे ज़्यादा है हमारी आबादी, हम इसे कितने गुणात्मक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम यदि अपने इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटें तो शायद इतिहास में भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रहा है वो है हमारा मैन पावर यानी हमारी आबादी, और फिजी मॉरिशस जैसे देशों से लेकर आज तक का जो इतिहास है या जो हमारे अप्रवासी भारतीयों का इतिहास है वो ये बताता है कि भारतीय न सिर्फ कुशल हैं बल्कि वो देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में जिस फिल्म सिटी के बीजारोपण की बात हमने की थी उसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मगर ये होगा कैसे, ये कैसे होगा और इसकी फंक्शनिंग क्या होगी और इसके होने में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? तो शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में जमीन के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जो सरकारी तौर पर बंजर पड़े हुए हैं, बेजान पड़े हुए हैं। मुझे ध्यान है कि जब फाइली के उस ओर जाकर एक वेडिंग शूट में हमने क्लोज शॉट लिया तो लोगों को इस बात पर बड़ी हैरानी हुई कि ये शिमला का कोई भाग है या जबलपुर का कोई हिस्सा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम में से बहुत से कम लोग जानते हैं कि जब हम मध्य प्रदेश टूरिज्म की मॉडल में जाकर भेड़ाघाट को देखते हैं तो भारत का एक पूरा नक्शा दिखाई देता है। तो हमने शायद अपने शहर से बहुत शिद्दत से प्यार नहीं किया है, उससे मोहब्बत नहीं की है, उसको अच्छे से देखा नहीं है, निहारा नहीं है। हमने अपने लमेटा को नहीं देखा है, हमने अपने कटाव को नहीं देखा है, हमने अपने घुघुआ जलप्रपात को नहीं देखा है, हमने घुघुआ फॉसिल्स पार्क को नहीं देखा है जहाँ करोड़ों साल पुराने पत्थर, हल्दी, पाम का पेड़, डायनासोर के दांत और न जाने कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमने साइंस कॉलेज के पीछे फैले हुए उन पर्वत श्रृंखलाओं को नहीं देखा है, हालांकि हम पाट बाबा जरूर जाते हैं जिन्हें छोटा शिमला और बड़ा शिमला जैसी पहाड़ियों के नाम से चिन्हित किया जाता है जहाँ पर डायनासोर के अंडे मिलते हैं। ये अलग बात है कि हम जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों को हिट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम जब इस तरह का कोई वीडियो सामने आता है तो ये सवाल भी करते हैं कि फिल्म सिटी बनेगी तो बनेगी कैसे। उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में बनी तो वहां पर क्या था? दरअसल वहां पर कुछ नहीं था, दर्जनों बल्कि सैकड़ों वेयर हाउस हमारे पाटन और शेरपुरा ब्लॉक में है। शायद ऐसे ही कोई शेड उसमें भी बनते हैं, ऐसी ही 200-300 एकड़ जमीन उसमें भी लगती है जो किसी एयरपोर्ट को बनाने में लगती है, जो हमारे किसी भी तहसील में आराम से अधिग्रहित की जा सकती है। मगर जाने क्यों एक फिल्म सिटी को लेकर एक पहल बनती ही नहीं, न जाने क्यों 50 साल पीछे चलने में हमें मजा आने लगा है। पूरे देश में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक नारा बनके, एक मंत्र बनके गूंज रहा है, मगर न जाने क्यों जब फिल्म सिटी की बात होती है तो हम इस पी 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 को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम
इन सारे प्रोड्यूसर्स को, इन सारे निर्माताओं को अपने शहर बुलाएं, उन्हें अच्छा आतिथ्य दें, उन्हें अच्छा लॉजिस्टिक दें, उन्हें दिखाएं। ये है हमारे शहर में। जब राज कपूर को हमारा बेड़ा घाट प्राण चाहे पर वचन न चाहे में दिखाई दे जाता है, जिसकी कहानी आज भी हमारे नाविक सुनाते हैं, तो क्यों ना इसकी मार्केटिंग की जाए। आज जब उबले हुए बेर की मार्केटिंग दुबई में की जा रही है, ब्रांडिंग की जा रही है, तो हम अपने शहर की मार्केटिंग और ब्रांडिंग क्यों नहीं कर सकते? हम अपने प्रदेश की मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते? ये बात समझ से परे है। टाइगर स्टेट होने का दर्जा हमें मिला हुआ है, हमें हासिल है, मगर हम इसकी ब्रांडिंग नहीं कर पाते। टाइगर को देखने के लिए दुनिया के जितने कुबेरपति हैं वो हमारे मंडला, डिंडोरी और बांधवगढ़, पेंच, सिवनी में आते हैं, देखकर खुश हो जाते हैं। हमारे पास प्रकृति है, हमारे पास स्पिरिचुअल टूरिज्म के बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं। हम ये तो मानते हैं कि मक्का छिंदवाड़ा की पहचान बन सकता है, मगर हम ये नहीं मानते कि इतने खूबसूरत जलप्रपातों का, इतने खूबसूरत पहाड़ों का, जिसमें सतपुड़ा, विंध्याचल जैसे बूढ़े पहाड़ जो नर्मदा के दोनों तरफ विस्तार के साथ फैले हुए हैं, वो हमारी पहचान बन सकते हैं। न जाने कब हम इस बात को समझेंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यदि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स देते हैं, तो मुझे यकीन है कि यह काम बिल्कुल हो सकता है। तो शुरू हो जाइए।